हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में के जो वेस्टर्न रीजन में आप लोग की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है जिसके लिए की टोटल 600 पोस्ट 600 पोस्ट है जिसके लिए कि आप लोग ऑल ओवर इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग के टेक्निकल नॉन टेक्निकल ट्रेड अप्रेंटिस टेक्निकल ट्रेड अप्रेंटिस और इसके अलावा यदि आप लोग डिप्लोमा होल्डर हैं, 12th पास हैं, 10th पास हैं, बीए बीएससी बीकॉम है, सभी के लिए इसमें जो है अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो जिसकी जानकारी मैं आज आप लोग को देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों से कोई चीज छूटे ना, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो है इसमें वेबसाइट है, यहाँ पे सभी लिंक दिए हुए। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो वैकेंसी आप लोग की पहले भी निकली हुई है, जी हाँ, ये फरवरी में आप लोग की वैकेंसी निकली हुई थी। तो इसमें जो है आप लोग के 500 पोस्ट थे जिसमें कि ऑनलाइन अप्लाई भी हो चुके थे, लेकिन इसके अंदर 100 पोस्ट बढ़ा दिए गए हैं, टोटल 600 पोस्ट कर दिए गए हैं, जिसके बाद की इसे दोबारा निकाला गया है और दोबारा से इसमें जो है ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, इसके ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं जो कि 22 मई 2020 से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 21 जून 2020। तो यदि आप लोगों ने इसमें पहले अप्लाई नहीं किया है तो इस वीडियो को देखिए और जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। और लेकिन यदि आप लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ है तो आप लोग को दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं, इसके पीडीएफ वगैरह सभी के लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो अपना डिटेल दिया हुआ है कि जो पहले 500 पोस्ट थी, 100 जो इंक्रीज करके यहाँ पे 600 कर दी गई है, और इसमें डिटेल दी हुई है कि कहाँ कहाँ किस किस रीजन में जो आप लोग कितनी कितनी वैकेंसियां कितनी कितनी सीटें बढ़ाई गई है, ठीक है, इसे आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा मैं आप लोग को डिटेल दे देता हूँ कि ट्रेड अप्रेंटिस और टेक्निकल अप्रेंटिस और डाटा एंट्री अप्रेंटिस और अकाउंटेंट अप्रेंटिसशिप के लिए कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सीट निकली हुई है वेस्टर्न रीजन में निकली हुई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादा नगर हवेली। लेकिन आप लोग इसमें ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसके लिए आप लोग फ्री अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, कोई फीस आप लोग की लगने वाली है, लेकिन इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटर्न बेस पे, जी हाँ, आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बेस पे ही आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए मैं आप लोग को वन बाय वन पूरी डिटेल देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को वैकेंसी की डिटेल दी हुई है, महाराष्ट्र में कितनी वैकेंसी है टेक्निकल पोस्ट के लिए। जी हाँ, टेक्निकल के लिए आप लोग को डिप्लोमा होना चाहिए, 10th प्लस डिप्लोमा। डिप्लोमा यदि आप लोग मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, इंस्ट्रूमेंट से हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग का गुजरात में दी हुई कितनी वैकेंसी निकली हुई है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में आप लोग की अभी ट्रेड अप्रेंटिस की वैसे वैकेंसी निकली हुई है जिसके लिए कि आप लोग को 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। जी हाँ, टेक्निकल अप्रेंटिसशिप के लिए आप लोग 10th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए आप लोग 10th प्लस आईटीआई होने चाहिए, ठीक है। और इस यदि मैं एक चीज आप लोग को और बता दूं, यदि आप लोग ने बीई बीटेक एमटेक वगैरह कर रखा है तो आप लोग जो है इन पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोग इन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो पोस्ट जिसके लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई छत्तीसगढ़ में फीटर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मशीनिस्ट में, अगर आप लोगों ने आईटीआई कर रखी तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दादा नगर हवेली में इसी प्रकार से फीटर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मशीनिस्ट की, गोवा में भी इसी प्रकार से वैकेंसी निकली, गुजरात में वैकेंसी निकली हुई, महाराष्ट्र में निकली हुई आप लोग देख लेंगे, मध्य प्रदेश में भी निकली हुई, ठीक है। इसके अलावा आप लोग की छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की वैकेंसी, जी हाँ, जो मैं आप लोग को बता रहा, ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट्स मीन्स इसमें आप लोग जो है बीए बीएससी बीकॉम पास है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें आप लोग देख लेंगे कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है। और इसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री में इसमें आप लोग 12th पास होने चाहिए और इसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी दी हुई है, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। इसका पूरा लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, कुछ समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया यहाँ पे पोस्ट कोड वाइज यहाँ पे जो आप लोग की डिटेल दी हुई है, जो भी आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। जैसे कि टेक्निकल अप्रेंटिसशिप के लिए आप लोग के लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए और 50% मार्क्स आप लोग के एग्रीगेट होने चाहिए जनरल ओबीसी में, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप लोग एससी एसटी कैंडिडेट है तो आप लोग 45% पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पोस्ट के लिए, कोई भी टेक्निकल पोस्ट है, आप लोग को डिप्लोमा चाहिए 3 ईयर का और 50% मार्क्स होने चाहिए यदि आप लोग जनरल ओबीसी में है। तो ये सारा का सारा टेक्निकल की डिटेल है। इसके बाद जो ट्रेड अप्रेंटिस की डिटेल है उसके लिए आप लोग के पास फुल टाइम रेगुलर आईटीआई होनी चाहिए, एनसीबीटी या फिर एससीबीटी किसी से भी हो, आप लोग कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 10th प्लस आप लोग की आईटीआई होनी चाहिए और इसमें सभी के लिए दिया हुआ, ठीक है, आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें भी आप लोग को कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा हुआ,
ट्रेड अप्रेंटिस, जी हाँ, इसमें इसके अलावा जो नेक्स्ट है इसमें आप लोग का है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए। जी हाँ, अकाउंटेंट के लिए आप लोग फुल टाइम ग्रेजुएट होने चाहिए जैसे मैंने आप लोग को बताया, लेकिन आप लोग के 50% मार्क होने चाहिए जनरल ओबीसी में। यदि आप लोग SC ST PWD है तो 45% पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए। तो आप लोग BA BSc BCom कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार से डायरेक्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस, यदि आप लोग 12th पास हैं और 50% मार्क्स आप लोग के हैं जनरल ओबीसी में तो अप्लाई कर सकते हैं, SC ST में तो 45% पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से डाटा एंट्री स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर के लिए आप लोग के पास जो है 12th और इट्स इक्विवेलेंट विद स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो आप लोग के पास स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तभी आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है। इसमें भी आप लोग के 12th में जो है 50% और जनरल ओबीसी से हैं तो यदि आप लोग SC ST से हैं तो 45% होने चाहिए। इसके बाद आप लोग पूरी जानकारी दे देंगे, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था यदि आप लोग BE BTech MBA CA LLB MCA वगैरह हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जी हाँ, आप लोग एलिजिबल नहीं माने जाएंगे इसके लिए। तो यदि आप लोगों ने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ले रखी तो आप लोग अप्लाई मत कीजिएगा। और इसके बाद आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है मैं बता देता हूँ जो आप लोग को जरूरी है, जैसे कि एज लिमिट। जहाँ एज लिमिट आप लोग की 18 से 24 साल है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज जो काउंट होगी आप लोग की 29/2/2020 को काउंट होने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा मार्कशीट सर्टिफिकेट बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन 12th ये आप लोग को रखना ही पड़ेगा, ठीक है। SC ST वगैरह सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोग को बता देता हूँ जो बहुत जरूरी हैं। जैसे आप लोगों को इसमें रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा, जैसा SC ST OBC को दिया जाता है, जो आप लोग की अप्रेंटिस की ट्रेनिंग है वो 12 मंथ की है, यहाँ 12 मंथ की आप लोग की अप्रेंटिस की ट्रेनिंग है। और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर को जो है 15 मंथ की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो सभी जो जितनी प्रकार की अप्रेंटिस उसमें 12 मंथ की जो है आप लोग की अप्रेंटिसशिप होने वाली है। और इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे मैंने आप लोग को बताया रिटर्न एग्जाम के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें दोनों का ही सिलेबस दिया हुआ है तो इसे आप लोग देख लेंगे, ट्रेड अप्रेंटिस फीटर के लिए कितना आएगा, ठीक है, क्या क्या इसमें सारा का सारा सिलेबस दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी जानकारी आप लोग को दे दी है। जो भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के वेस्टर्न रीजन में जो 100 वैकेंसियां बढ़ाई गई हैं और जिसके लिए कि ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं 22 मई 2020 से और 21 जून 2020 रहने वाली, इसका ऑनलाइन का अप्लाई का वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ था, उसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा। यदि आप लोग दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स आपने पहले अप्लाई नहीं किया, तो उसे देख करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को सुविधा चाहूंगा और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।